छोटी क्लास में भी पढ़ी है। संख्या में मुख्यतः आपने तीन भेद पढ़े हैं। अंग्रेजी विद्वानों के अनुसार इसके पांच भेद माने गए हैं और इसी आधार पर हिंदी में भी कुछ विद्वान अब इसके पांच भेद मानते हैं। तो हम कक्षा आठ में इसके पांच भेदों को पढ़ेंगे। आइए हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। संख्या, बच्चों जैसा आपको पता है कि संख्या किसी भी नाम को कहते हैं। जैसे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, जानवर का हो, भाव गुण आदि का हो। जैसे अब आप देखिए यहाँ पर मोहन, ये व्यक्ति का नाम है। पुस्तक, ये किसी वस्तु का नाम है। जयपुर, ये जगह का नाम है। भालू, जानवर का नाम है। गर्मी, ये भाव है कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। और दया, ये गुण है। तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा के उदाहरण है, जैसे मोहन, पुस्तक, जयपुर, भालू, गर्मी, दया आदि। आगे हम देखते हैं संज्ञा के भेद। बच्चों संज्ञा के आपने अब तक मुख्यतः तीन भेद पढ़े हैं, लेकिन कक्षा आठ में संज्ञा के पांच भेद हैं। संज्ञा के तीन भेद मुख्यतः हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के ही भेद मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें अलग अलग भेदों के रूप में लिखते हैं। अतः जब हम इनको अलग भेदों के रूप में मानते हैं तो इसके पांच भेद होते हैं। अब पहला देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा शब्द है जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। जैसे मैंने कहा राम, ये किसी एक विशेष बालक का नाम है। इसी प्रकार मैंने कहा जयपुर, ये किसी विशेष स्थान का नाम है। तो जिनसे हमें, और मैंने इसी तरह कहा पुस्तक, तो किसी विशेष वस्तु का नाम है। इस प्रकार किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें पूरी जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य, मनुष्य में सभी लोग आ गए। इसी प्रकार स्थान, स्थान में जैसे मैंने कहा दुनिया, दुनिया में सभी उसके देश आ गए। तो जिन संज्ञा शब्दों से पूरी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। बच्चों भाववाचक संज्ञा महसूस की जाती है, इसे देखा नहीं जा सकता है। और इनमें वो शब्द आते हैं जैसे देखिए जिन संज्ञा शब्दों से गुण, धर्म, अर्थ आदि भावों का बोध हो। जैसे गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी और मनुष्यता आदि, ये भाववाचक संज्ञा होती है। आगे है समूहवाचक संज्ञा। समूह जिसे ग्रुप का पता चलता हो, जैसे कि बच्चों क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कक्षा। और इसी प्रकार खेलने वाले बच्चे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, टोली। इसी प्रकार सैनिकों का जो समूह है उसे हम क्या कहेंगे, सेना। अंगूरों को, खूब सारे अंगूर जिसमें है उसे हम क्या कहेंगे, गुच्छा। या चाबियां खूब सारी समूह में है उसे हम गुच्छा कहेंगे। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, उन सामानों का एक समूह होता है, उसका ग्रुप होता है। देखिए परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो, जैसे सेना, सैनिकों का दल, कक्षा, पढ़ने वाले बच्चों का समूह, गुच्छा, चाबियों का या अंगूरों का, टोली, खेलने वाले बच्चों का दल, ये सब इसमें आते हैं। अगला बच्चों देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है वस्तु। ऐसी वस्तुएं जो कि नापतोल वाली वस्तुएं हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो, जैसे सोना, मिट्टी, दूध, तेल आदि। अब बच्चों इसके बाद देखिए आपके आएगा कि भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा जो बनाई जाती है वो किन किन संज्ञा शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञाएं बनती है चार प्रकार के शब्दों से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। जातिवाचक में है जैसे पशु से बना पशुत्व, मनुष्य से बना मनुष्यता। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में है स्व से स्वत्व, निज से निजता। इसी प्रकार विशेषण में है जैसे गर्म से गर्मी और ठंडा से ठंडक आदि। क्रिया शब्द है जैसे बनाना से बनावट, सजाना से सजावट। ये इस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब बच्चों इस क्लास में आप पढ़ेंगे ये दो नए टॉपिक हैं,
पहला है व्यक्तिवाची संज्ञा से जातिवाची संज्ञा के रूप में। जैसे इसका उदाहरण देखिए, आप तो पूरे विभीषण निकले। बच्चों आप जानते हैं विभीषण कौन थे? विभीषण राम के भाई थे जिन्होंने कि उनके साथ धोखा किया था। तो यहाँ पर विभीषण है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन जब यहाँ ये वाक्य कहा जा रहा था तो जो भी व्यक्ति धोखा करता है उसके लिए यहाँ पर उसे विभीषण कहा गया है। अर्थात पूरी जाति को, जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं उनको विभीषण का नाम दिया है। तो ये विभीषण यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन गया है। अगला है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अब यहाँ देखिए आप उदाहरण, पंडित जी को कौन नहीं जानता? बच्चों यहाँ ये पंडित जी कौन है? ये पंडित कोई विशेष पूजा करने वाले नहीं है। यहाँ पंडित जी है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ उन पंडित जी की बात हो रही है। तो पंडित जी, वैसे तो हम साधारण शब्दों में तो किसी भी पूजा करने वाले विद्वान को पंडित कहते हैं, लेकिन यहाँ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में माना गया है। बच्चों अब आप संज्ञा के आधार पर इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।